न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए पूरा देश हर तरीके से लड़ रहा है, लेकिन यूपी के झांसी में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कोरोना सेंटर में अव्यवस्थाओं की भरमार है। जी हाँ, जिले में व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें जिला अस्पताल में क्वारंटीन किए गए एक परिवार ने अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब प्रशासन से इस बारे में बात की तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वीडियो में महिला हंगामा करते हुए कहती है कि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उनके बच्चों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है और समय से खाना भी नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि पानी पीने के लिए उन्हें बाथरूम का पानी पीना पड़ रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय तो हुआ है, लेकिन क्या वो इन अव्यवस्थाओं को दूर कर पाएगा, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। यहाँ तो और भी ज्यादा हालत खराब है, यहाँ तो और पानी नहीं दे रहे, वो बोल रहे आ रहे आ रहे आ रहे, इतनी इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में पानी तो दे दीजिए। मैं कह रही हूँ एक बोतल पानी आप दूर रख दीजिए, मेरे बच्चे पी लेंगे, पर वो नहीं कुछ रहे, आ रहा है पानी, व्यवस्था हो रही है व्यवस्था। अरे बच्चों में तो तरस खा, अगर कुछ हो गया पानी पानी के चक्कर में क्या होगा बताइए। मेरे भाई डला है, मेरी माँ डला है, मैं सब कोऑपरेट कर रही हूँ। मेरी बच्ची इधर बेटा इस लड़की का क्या है, इन लोगों ये सबकी निगेटिव है, इन सब की रिपोर्ट निगेटिव है, इनके साथ इतना दूर व्यवहार, इनको दूर भगा रहे हैं कि आप जाइए जाइए यहाँ से जाइए, बच्चों को दूर भगा रहे। अरे पानी दे दो, पानी नहीं देने तो फिर एक ही दम मार दो, तीन बज रहे हैं आज, हमने अभी अन्न का कौर नहीं देखा, हमने खाना नहीं बनाया, हमारे बच्चों ने खाना नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, चार चार तीन बजने वाले हैं। मेरी विनती है सर, जो बीमार हो गए हैं हमारे मम्मी या मेरा भाई, उनको आप रखिए, लेकिन जो बीमार नहीं है उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हम तीन दिन में बीमार हो गए, मेरी ऐसी हालत हो गई, ऐसी थी क्या मैं, लेकिन मेरी ऐसी हालत है, क्या करें, हमें ऐसा खाना मिल रहा वहाँ कुछ नहीं, ना साबुन ना सोडा ना कुछ भी, बच्ची को दूध नहीं है, बच्चों को दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ आके और बुरा हाल, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तीन घंटे हो गए, बच्चे तो हमारे प्यासे मर रहे हैं, हम बाथरूम से पियो बेटा बाथरूम का पानी पियो, हमारे बच्चों का कुछ हुआ और मैंने पूरे प्रशासन की ऐसी तैसी की, मेरी बच्ची को कुछ हुआ मैंने सबको हिलाया, बस मैं बता दे रही हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। ये मामला दोपहर के बाद, दोपहर को ही लोग आए थे लगभग 2:30 बजे के करीब, और जबकि यहाँ खाना और पानी का वितरण हो चुका था, अचानक में एक गाड़ी में आए एम्बुलेंस में और साथ में लिस्ट लिए थे, पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी, और हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निकल रहे थे तो हमने देखा, तो हमने यहाँ उनको भर्ती करने को, क्वारंटाइन में रखने को कह दिया। तो सर, इसमें जो क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं वो अव्यवस्थाओं के सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्वारंटाइन एकाएक बनाने की कोई व्यवस्था पूर्व से कोई तैयारी नहीं थी, अचानक में शिफ्ट किए गए ओवरक्राउडिंग होने की वजह से दूसरी जगह, तो अचानक से आई तो उसकी व्यवस्था बाद में बड़े बाबू जैसे ही पता चला, बड़े बाबू को फोन किया गया, उन्होंने आके वहाँ से पानी वगैरह सब बनवाया।